अस्सलाम वालेकुम, इट्स वर्दा अली। वेलकम टू साइकिक लर्नर्स एकेडमी बाय बिया बलोच। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर लेसन 22, कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस पार्ट 1। सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है टीचिंग कॉन्सेप्ट्स थ्रू डिस्कवरी। तो आज हम बात करेंगे कि हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ जो हैं टीचिंग की वो क्या होती हैं, ठीक है। तो जो पहली स्ट्रेटजी है उसे हम कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग। जेरोम ब्रूनर ने लेट 50s में बात की थी अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि जो हम समझते हैं उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स जो हैं जब भी वो पढ़ते हैं तो उनका जो सब्जेक्ट होता है, जिस सब्जेक्ट को वो पढ़े होते हैं उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उनको उसकी समझ होने की बहुत ज़रूरत है। जब तक उन्हें समझ नहीं होगी तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जेरोम ने एक्चुअली में इसी इम्पॉर्टेंस की बात की कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स की, बेसिक स्ट्रक्चर, जो सब्जेक्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी इम्पॉर्टेंस रखती है। उसने एम्फसाइज किया कि एक्टिव लर्नर कितना ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग एक्चुअली में क्या होती है, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, नॉलेज को लें, रादर देन सिर्फ पैसिवली एक टीचर को सुने। इसने एम्फसाइज किया था कि रीजनिंग जो है वो एक सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है लर्निंग की। मतलब आप जब आप लर्न कर रहे हो तो आपके पास एक रीजनिंग का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, आपको पता हो, आपके पास रीजंस हो, आपके पास जस्ट लाइक क्वेश्चंस हो कि ये चीज़ ऐसे हुई तो कैसे हुई, क्यों हुई। तो ये सब जो है ये लर्निंग की बेसिक रिक्वायरमेंट है और इसी अप्रोच को हम कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग, यानी कि आप डिस्कवर कर रहे हैं। जब स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं और अपना काम मतलब अपने काम में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, रीजंस ढूंढ रहे हैं, तो बेसिक प्रिंसिपल्स जो है अपने सब्जेक्ट के ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो लर्न कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हम क्या पढ़ेंगे कि टीचिंग कॉन्सेप्ट्स थ्रू एक्सपोजिशन, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस काफ़ी सारी अप्रोचेज़ हैं एजुकेशनिस्ट की, जिसमें एक एजुकेशनिस्ट है डेविड ओसोम्बल। डेविड के अकॉर्डिंग उसका ये व्यू था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉलेज को जब रिसीव करते हैं तब वो लर्न करते हैं, रादर देन जब वो डिस्कवरी करते हैं उससे वो नॉलेज गेन नहीं करते, उससे वो लर्न नहीं करते जितना वो रिसीविंग नॉलेज से करते हैं। उसकी ये जो अप्रोच थी उसे एक्सपोजिटरी अप्रोच भी कहते हैं। तो जो एक्सपोजिटरी टीचिंग होती है जिसमें स्टूडेंट्स जो टीचर्स हैं वो मटेरियल को प्रेजेंट करते हैं एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में और अपने स्टूडेंट्स को एक कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मटेरियल देते हैं और अपनी टीचिंग को इस तरह करते हैं कि जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है उससे लेकर एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। मतलब वैसे तो ये कहा जाता है कि जो अप्रोच है कि आप जनरल से स्पेसिफिक आएँ तो वो ज़्यादा बेटर होती है, तो वही अप्रोच जो है वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि ब्रॉडेस्ट कॉन्सेप्ट से, एक जनरल कॉन्सेप्ट से वो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की तरफ आता है। रीजनिंग की दो टाइप्स हैं जो कि असेंबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू को फैसिलिटेट करती हैं। सबसे पहली रीजनिंग है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरी है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जब एक पर्सन फॉर्मुलेट करता है जनरल प्रिंसिपल्स किसकी बेसिस पर, जो नॉलेज उसके पास है, जो डिटेल्स उसके पास पहले से हैं उनकी बेसिस पर जो जनरल प्रिंसिपल्स वो बनाता है उसे कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। और जो सेकंड है वो है डिडक्टिव रीजनिंग, जो जब आप एक कोई भी पर्सन जो है वो कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालता है, कोई भी स्पेसिफिक रिजल्ट निकालता है अपनी जनरल एग्जिस्टिंग नॉलेज से, तो उसे कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। सो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो इंडक्शन का मतलब है जनरल प्रिंसिपल्स का फॉर्मुलेट होना और डिडक्टिव का मतलब है स्पेसिफिक कंक्लूजन्स को बनाना जनरल नॉलेज और इंफॉर्मेशन से। तो जो असेंबल का बिलीव था कि लर्निंग जो है वो प्रोग्रेस होती है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि डिडक्टिवली, और ब्रूनर का कॉन्सेप्ट था इंडक्टिवली रीजनिंग पे।
तो अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम वो होती है जब कोई एक इंसान कोशिश कर रहा हो कि वो अपने गोल को रीच करे और उस गोल को हासिल करने में जो रास्ता वो करना चाह रहा है उसको ढूंढे, तो उसको कहते हैं प्रॉब्लम। लाइक आपका एक गोल है और उसको रीच, उसको हासिल करने के लिए आपको कोई ज़रिया चाहिए कि आप उसको हासिल कैसे करें, तो अब कैसे करें वो प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ फाइंडिंग न्यू आंसर्स टू रीच अ गोल और क्रिएटिंग न्यू सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। यानी कि आप नए आंसर्स को ढूंढते हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए या नए सॉल्यूशंस बनाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसको इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि फॉर्मुलेटिंग न्यू आंसर्स गोइंग बियॉन्ड द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियसली लर्न्ड रूल्स टू अचीव अ गोल। यानी कि आप नए आंसर्स बनाते हैं, जो सिंपल एप्लीकेशन थी आपने पहले पढ़ी हुई है, जो रूल्स आपने पहले पढ़े हुए हैं उनसे बढ़ कर जाना, उनसे ऊपर जाना, उनके अलावा आंसर्स ढूंढना, वो होता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है जनरल और डोमेन स्पेसिफिक। कुछ साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो डोमेन स्पेसिफिक होती हैं। यानी कि जो डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं हर डिफरेंट एरिया के हिसाब से या डोमेन के हिसाब से। कुछ साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो जनरल होती हैं, यानी कि जो जनरल स्ट्रेटजीज़ हैं वही यूज़ होंगी हर जगह पर। ठीक है, दोज कैन बी अप्लाई टू डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस। हर सिचुएशंस में जो है वो जनरल स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है, अब ये दोनों व्यूज़ एक तरह से सही हैं, क्योंकि इट अपीयर्स के जब लोग जनरल से स्पेसिफ़िक अप्रोचेस की तरफ मूव करते हैं और सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं, अपने लेवल ऑफ एक्सपर्टीज पर डिपेंड करते हैं। अर्ली ऑन व्हेन वी नो, जब हमें बहुत कम पता था प्रॉब्लम एरिया या डोमेन के बारे में, तो हम ज़्यादातर जनरल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज की तरफ ही जाते थे और हम सिचुएशन की सेंस बनाते थे जनरल स्ट्रेटजीज के हिसाब से। हम जो है जैसे जैसे हमें डोमेन स्पेसिफिक के बारे में पता चलता गया, उसकी हमें नॉलेज आती गई कि एक पर्टिकुलर प्रोसीजरल नॉलेज है कि एक डोमेन में हमें किस तरह काम करना है, किस तरह चीज़ें हैंडल करनी हैं, तो अब हम कॉन्शियसली जो है वो जनरल स्ट्रेटजीज़ लेस अप्लाई करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब हमें डोमेन स्पेसिफिक की नॉलेज आ गई है, तो हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो अब ज़्यादा ऑटोमेटिक हो गई है। मगर जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो हमारी करंट नॉलेज में नहीं है, तो हम दोबारा जनरल स्ट्रेटजीज़ की तरफ ही जाते हैं और जनरल स्ट्रेटजीज़ के थ्रू ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की? तो सबसे पहली आती है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एल्गोरिदम को हम यूजली यूज़ करते हैं डोमेन स्पेसिफिक में, जो कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया के हिसाब से ही होता है इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप कोई भी अप्रोप्रिएट एल्गोरिदम चूज़ कर लें और उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें, तो राइट आंसर जो है वो गारंटी होगा कि राइट आंसर आपको मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स जो कि ज़्यादातर एल्गोरिदम्स अप्लाई कर देते हैं कहीं भी, ठीक है, तो दे मतलब वो सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि वो कहीं भी एल्गोरिदम्स को अप्लाई कर दें, तो कब ऐसा भी होता है कि फिर उनको राइट आंसर नहीं मिलता या वो नहीं समझ पाते कि किस तरह उसको उस राइट आंसर को ढूंढना है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए एल्गोरिदम्स को हैपहैज़र्डली अप्लाई करना एक इंडिकेशन है कि फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग और एबिलिटी जो टू वर्क थ्रू अ सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जो कि पियाजे ने डिस्क्राइब की, अभी डिवेलप नहीं हुई। यानी कि वो स्टूडेंट्स जो कि हैपहैज़र्डली एल्गोरिदम्स को अप्लाई कर देते हैं, उसका मतलब ये है
कि उनकी जो ऑपरेशनल थिंकिंग और एबिलिटी है डिफरेंट सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को सिस्टमेटिकली उनके साथ काम करना, तो वो जो एबिलिटी है उनकी वो अभी डिवेलप नहीं हुई है। और ये जो एबिलिटीज़ हैं और ऑपरेशनल थिंकिंग है ये पियाजे ने डिस्क्राइब की थी, यू ऑल नो अबाउट देम। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि एल्गोरिदम्स से सॉल्व नहीं होती, तो अब हम क्या करें? तो अब डिफरेंट और स्ट्रेटजीज भी होती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक वो जनरल स्ट्रेटजी है जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ करते हैं। ह्यूरिस्टिक मे बी अटेम्प्टेड इन जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, ठीक है? इसमें हम जनरल जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज हैं उसमें यूज़ करते हैं हम ह्यूरिस्टिक को। अब ह्यूरिस्टिक का मतलब ये एक्चुअली में तो बहुत सिंपल है। ह्यूरिस्टिक का मतलब है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को ना फास्टली आप सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप जल्दी से कोई भी जजमेंट बना लेते हैं एफिशिएंटली, या रूल ऑफ थंब की बात कर लें तो वो भी ह्यूरिस्टिक्स में ही आता है, ठीक है? वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी, जब एक स्टूडेंट जो है वो अपने गोल की तरफ जाता है, मतलब अपने गोल से पीछे हटता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी, जिसमें एक स्टूडेंट जो है जिसका एक गोल है वो पीछे मूव करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कभी कभार ये इफ़ेक्टिव होती है, इफ़ेक्टिव ह्यूरिस्टिक की तरह होती है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, और इस तरह ये प्रूव होता है कि ये एक अच्छी और इफ़ेक्टिव है। बट कभी कभार ही ऐसा होता है कि ये इफ़ेक्टिव प्रूव हो। एक और स्ट्रेटजी है जिसे हम एनालॉजिकल थिंकिंग कहेंगे, जहाँ पर कोई वेयर वन लिमिट्स द सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स, के अब एक प्रॉब्लम आई है तो उसके लिए जो सोल्यूशंस हैं वो हम लिमिट कर देते हैं, ठीक है? कि वो हर जगह जो है वो सेम नहीं हो सकती, एक जगह पर सेम है तो दूसरी जगह पर वो नहीं हो सकती। तो अभी तक कितनी हमने पढ़ी हैं स्ट्रेटजीज, तीन, ठीक है? ह्यूरिस्टिक्स, जिसमें हम जल्दी से एफिशिएंटली इफ़ेक्टिवली कोई भी डिसीजन या जजमेंट कर लेते हैं। वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी, जिसमें एक स्टूडेंट जिसका एक गोल है वो बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और थर्ड है एनालॉजिकल थिंकिंग, जहाँ पर हम सॉल्यूशंस को लिमिट कर देते हैं, ठीक है? जो कि एक जगह पर सेम है और दूसरी जगह पर वो मे बी सेम ना हो। इन सब के साथ साथ एक और स्ट्रेटजी भी आती है जिसको कहते हैं वर्बलाइजेशन, ठीक है? इसको भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम मतलब कि इसमें हम जो हैं एक किसी भी प्रॉब्लम को क्लीन अनएम्बिगुअस वर्ड्स में जो है वो रख देते हैं, यानी कि बस वो ओपन नहीं है, ठीक है? वो जो प्रॉब्लम है वो अभी ओपन नहीं है, ठीक है? क्लियर नहीं है। इसकी इफ़ेक्टिवनेस वर्बलाइजेशन के प्रोसेस की आपको तब पता चलती है जब एक्सीडेंटली आप किसी को प्रॉब्लम अपनी बता रहे हैं और एक्सीडेंटली आपके माइंड में उसका सलूशन आ जाता है, तो वर्बलाइजेशन का प्रोसेस तब आपको इफ़ेक्टिवली समझ आता है। क्योंकि हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के हिसाब से सब बात कर रहे हैं, तो इसमें एक टीचर जो है इन सब टेक्निक्स को यूज़ करके जो नॉलेज है उसे नेक्स्ट अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकता है, और वो यही स्ट्रेटजीज अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकता है, बता सकता है, समझा सकता है कि उसके स्टूडेंट्स भी ये स्ट्रेटजीज यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए, आपके पास वेरियस स्ट्रेटजीज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि कौन सी स्ट्रेटजी कब अडॉप्ट करनी है, किस टाइम चाहिए, उसकी ज़रूरत है, और आपको हर स्ट्रेटजी का पता होना चाहिए। थैंक यू।